हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास गैस चूल्हा के चार नीपल रखे हुए हैं, तो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इस चार नीपल का यूज़ आप कब और कैसे करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मेन बात बता देना चाहता हूं कि किसी भी नीपल का यूज़ बर्नर के साइज़ के अनुसार होता है। जैसे जैसे बर्नर का साइज़ बढ़ेगा, वैसे वैसे नीपल का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास चार तरह के बर्नर रखे हुए हैं, और ये जो चारों बर्नर हैं, ये चारों बर्नर अलग अलग साइज के हैं। यह छोटा है, यह बड़ा है, यह उससे बड़ा है, और यह सबसे बड़ा है। यह जो दो बर्नर है, यह हमारे घर के गैस चूल्हे में यूज होता है, जो कि एक छोटा और एक बड़ा है। और यह जो बर्नर है, यह हमारा पीतल वाला बर्नर से दोनों बड़ा बर्नर है। इसका यूज हम बड़े वाले गैस भट्टी में करते हैं, जिसका यूज शादी पार्टी वाले चूल्हे में होता है। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास चार तरह के नीपल रखे हुए हैं, तो मैं अब आपको बता देना चाहता हूँ कि किस नीपल का यूज किस बर्नर के लिए किया जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह जो हमारा नीपल है, 58 नंबर का नीपल है, जिसका छेद सबसे छोटा होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका जो छेद है वह सबसे छोटा है, और इसका यूज हम इस छोटे वाले बर्नर में करते हैं, क्योंकि बर्नर छोटा है और हमारा जो नीपल का छेद है यह भी छोटा है, तो इसका यूज हम छोटे वाले बर्नर में ही करेंगे। अब मैं आपको दूसरे नीपल यानी 77 नंबर नीपल के बारे में बताता हूँ कि इसका यूज किस बर्नर में किया जाए। इसका यूज हम इस बर्नर में करेंगे जो कि हमारा छोटे वाले से बड़ा है, इसीलिए हमारा नीपल भी छोटे वाले से बड़े छेद वाला लगेगा, जो कि 77 नंबर का। इसीलिए आप इस बड़े वाले बर्नर में 77 नंबर का नीपल का यूज करें। अब मैं आपको तीसरे वाले नीपल यानी जो हमारा 85 नंबर का है, जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारा जो नीपल है 85 नंबर का है। इसका उपयोग हम इस बड़े वाले बर्नर में करते हैं, जो कि हमारा इस पीतल वाले बर्नर से बड़ा है, इसलिए हम नीपल भी बड़े छेद वाले लगाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसका जो नीपल का जो होल है, ये 77 नंबर वाले नीपल से बड़ा है। अगर हम इसमें 77 नंबर का नीपल को लगाते हैं, तो इसमें से फ्लेम नहीं देगा और यह बहुत कम जलेगा, इसीलिए हम बड़े वाले में 85 नंबर का नीपल को लगाएंगे। जैसे जैसे हमारा बर्नर का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा नीपल का नंबर भी बढ़ता चला जाएगा। अब मैं आपको चौथे नीपल के बारे में बताने वाला हूं, जिसका साइज सबसे बड़ा है और जो 110 नंबर का है, और इसका यूज हम सबसे बड़े वाले बर्नर में करते हैं, जो कि इसका साइज हमारे तीनों बर्नर से बड़ा है, इसलिए हम नीपल का यूज भी बड़े छेद वाला करेंगे, जिसका छेदा हमारे तीनों नीपल से बड़ा हो, क्योंकि हमारा जो बर्नर है वो तीनों बर्नर से बड़ा है, इसलिए हम 85 नंबर नीपल के बाद 110 नंबर का जो नीपल आता है उसे हम इस बड़े वाले बर्नर में यूज करेंगे। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपका बर्नर का साइज बढ़ेगा, वैसे वैसे हमारा नीपल का जो नंबर है वह भी बढ़ता चला जाएगा। नीपल के नंबर बढ़ने से हमारा नीपल का जो होल है वह भी बढ़ता चला जाता है, इसीलिए नीपल का यूज आप बर्नर के साइज के अनुसार करें। अगर आप छोटे बर्नर में बड़ा साइज का नीपल लगाते हैं, तो यह हमारा बर्तन को काला कर देगा, और अगर बड़े बर्नर में छोटा साइज का नीपल को लगाते हैं, तो हमारा यह कम जलेगा। अब मैं आपको दो और नीपल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका यूज बड़े वाले पीतल वाले बर्नर में होगा। वैसे तो सारे चूल्हे में 77 नंबर नीपल का यूज होता है, लेकिन अगर आपका 77 नंबर का नीपल लगाने पर अगर आपका बर्तन काला करता है, तो आप कौन सा नीपल का यूज करेंगे ताकि आपका बर्तन काला ना करे? तो मेरे पास दो नीपल है, एक 65 नंबर का है और एक 71 नंबर का, जो कि हमारा 77 नंबर वाले नीपल से दोनों का जो होल है यह छोटा है,
अगर आपका 77 नंबर का नीपल लगाने से बर्तन काला करता है तो आप 65 या 71 नंबर का नीपल लगाकर देखें तो आपका यह प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा। अगर आपका बर्नर नीपल के कारण काला करता है, यानी आपका जो नीपल का जो छेद है वह बड़ा हो चुका है और उसमें से जो गैस है बहुत ज्यादा निकल रहा है जो कि बर्तन को काला कर दे रहा है, इसलिए आप नीपल को चेंज कर दें जिससे कि आपका बर्तन काला करना समाप्त हो जाएगा। गैस चूल्हे संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।